नागपुर महानगर पालिका, समाज कल्याण विभाग और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नगरी उपजीविका अभियान के अंतर्गत लॉकडाउन के दरमियान रास्तों पर रहने वाले, फुटपाथ पर सोने वाले बेघरों को शहर के ही 5 बेघर निवास में भेजा गया है। नागपुर महानगर पालिका राज्य की पहली महानगर पालिका है जो बेघरों के लिए सहारा देकर देखभाल कर रही है। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के निर्देशों के अनुसार कोरोना की बाधा फुटपाथ पे रह रहे लोगों को न हो, इसीलिए इन लोगों को बेघर निवास में भेजा गया। शहर के सीताबर्डी स्थित बूटी कन्या स्कूल, टिमकी, भानखेड़ा के हंसापुरी प्राथमिक स्कूल, डिप्टी सिग्नल के रघु घासीदास समाज भवन, नारा रोड, नारा रोड के मनपा ग्रंथालय समाज भवन और टेकरी गणेश मंदिर के पास रेलवे पुलिया के नीचे रह रहे बेघरों को शहर के 5 बेघर निवास में रखा गया। साथ ही उन्हें कोरोना प्रति जानकारी देकर जनजागृति कर उन्हें सैनिटाइजर मास्क भी दिया गया। फिलहाल शहर के साथ साथ पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति होने से इन बेघरों को मुफ्त में खाना भी दिया जा रहा है, साथ ही उन्हें बाहर ना निकलने को भी कहा गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।